आज ही सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स को और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गुर्दे और मूत्राशय की पथरी से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स ने मुझे कॉमेंट किया था, मुझसे पूछा था कि मैम, क्या आप गुर्दे और मूत्राशय की पथरी के लिए कुछ इलाज बता सकते हैं? तो ज़रूर बता सकती हूँ दोस्तों। मैं आज की वीडियो में आपके साथ ये शेयर करूँगी इस रेमेडी को, जिसको फॉलो करके आप अपने गुर्दे और मूत्राशय की पथरी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। और दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस वीडियो में कोशिश करूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के वर्ड्स यूज़ करूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स मुझे हर वीडियो में नीचे कमेंट करके बताते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ हिंदी में बोलो, मुझे नहीं समझ आ रहा, प्लीज़ हिंदी में बोलो। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है दोस्तों कि जो भी लैंग्वेज जिसकी है उसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो ठीक है, फटाफट से जान लेते हैं कि कैसे हम गुर्दे और मूत्राशय की पथरी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जान लीजिए कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिल सकें। तो गाइस, गुर्दे और मूत्राशय की पथरी से छुटकारा पाने के लिए हमें जो जड़ी बूटी चाहिए वो है कुल्थी। जी हाँ दोस्तों, कुल्थी जो होती है ये आपको किसी भी पंसारी या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन की शॉप से आसानी से मिल जाएगी। कुल्थी के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपको गुर्दे और मूत्राशय की पथरी से छुटकारा दिलाएंगी। जी हाँ दोस्तों, कुल्थी आपने 250 ग्राम लेनी है, उसके कंकड़ पत्थर निकाल कर उसे अच्छे से साफ कर लेना है, और फिर इसे रात को आपने 3 किलो पानी के अंदर भिगोकर रख देना है। फिर सवेरे भीगी हुई कुल्थी जो है पानी समेत आपने धीमी धीमी आँच पर पकानी है, यानी कि 1.5-2 घंटे लग जाएंगे आपको इस पानी को पकाने में। जब ये पानी 3 किलो से 1 किलो रह जाएगा तो आपने गैस बंद कर देनी है और इस पानी को थोड़ा सा ठंडा होने देना है। ये जो पानी, ये सूप तैयार होगा, ये काले चने के सूप की तरह ही दिखता है। फिर दोस्तों, आपने 30 से 50 ग्राम के बीच जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हैं उतना शुद्ध गाय का देसी घी लेना है, उसका आपने इसमें छोंक लगाना है, इनकी तड़का लगाना है। छोंक में थोड़ा सा सेंधा नमक, काली मिर्च, जीरा, हल्दी डाल सकते हैं आप, और बस फिर ये आपका जो है स्वादिष्ट बहुत ही टेस्टी सूप बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि एक आपके मुंह के टेस्ट को भी बढ़ाएगा और साथ साथ आपका पेट भरा रहेगा, और ये जो है एक मेडिसिन का काम करेगा आपकी बॉडी के अंदर। अब आप जान लीजिए कि आपने इसको कब और कैसे लेना है। दिन में एक बार खाने के स्थान पर, यानी कि दोपहर के भोजन की जगह पर आपने इसका सेवन करना है। जब आप इसका सेवन करेंगे आपने लंच नहीं करना, ठीक है दोस्तों। दोपहर के 12 बजे आपने ये सारा सूप पी लेना है। कम से कम 250 ग्राम सूप आपने ज़रूर पीना है। 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर गुर्दे और मूत्राशय की पथरी जो है गलकर बिना ऑपरेशन के यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, दावा है मेरा ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि जब तक पथरी बाहर ना निकले ये पानी डेली एक बार पीते रहें, और ज़्यादा दिनों तक पीते रहने से इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई हानि नहीं है। 1 सप्ताह से 5 सप्ताह तक, यानी कि 1 हफ्ते से 5 हफ्ते तक आप इसको लीजिए। इसको लगातार कुछ दिन लेते ही आपको पता चलेगा कि आपको अगर जो पथरी का जो दर्द होता था वो दर्द जो है कितना ज़्यादा ख़त्म हो गया है। बिल्कुल पथरी की प्रॉब्लम होने पर ये जो मेडिसिन है ये बिल्कुल अमृत के समान है दोस्तों। और एक बात और कहना चाहती हूँ, कुछ लोग बिना चपाती के बिना रोटी के नहीं रह सकते, तो वो इस सूप के साथ एक आध रोटी ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इसके साथ साथ ये जो सूप है ये आपके गुर्दों में अगर स्वेलिंग है ना, उसको भी दूर करेगा। और ये पानी आप जितना पी सकते हैं ना, 10 दिन के अंदर जो है ये आपके गुर्दे की स्वेलिंग को भी दूर करेगा। आपसे कोई किसी तरह का इस पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा, अगर आप साथ साथ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखते हैं, यानी कि आपने किन चीज़ों का सेवन नहीं करना। पालक, टमाटर, बैंगन, चावल, उड़द, लेस वाले चीज़ें जैसे कि वो जो काली वाली दाल होती है वो लेस होती है, या फिर भिंडी की सब्ज़ी जिसमें लेस हो तो वो गर्भी होगी, इस तरह की लेस वाली चीज़ें नहीं खानी, सूखे मेवे नहीं खाने, चॉकलेट, चाय, मद्यपान, मांसाहारी ये सब चीज़ें नहीं खानी आपने।
और कोशिश ये करनी है कि आपने अपने यूरिन को रोकना नहीं है। कुछ लोगों को बाथरूम आता है तो वो रोक कर रखते हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पथरी की प्रॉब्लम होने पर तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। और एक बात और ध्यान रखिए कि एक घंटे से ज़्यादा एक ही मुद्रा में एक ही पोस्चर में आपने बैठना नहीं है। कुछ लोग जिस पोजिशन में बैठे होते हैं ना, एक एक दो दो तीन तीन घंटे उसी तरह के वैसे बैठे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। एक ही आसन पर नहीं बैठना आपने, एक ही जगह पर नहीं बैठना, ठीक है? थोड़े चलते फिरते रहिए, लगातार मत बैठिए। अगर आप इस सूप को रेगुलर बेस पर पीते हैं तो आपकी गुर्दे और मूत्राशय की पथरी जो है यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगी, आपकी बॉडी से पथरी का खात्मा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? एक और विधि मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कुल्थी की ही। अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते तो एक और मेथड है जो मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। कुल्थी के बीज लेने हैं, ठीक है? 40 ग्राम के करीब कुल्थी के बीज ले लीजिए, उसे 250 ग्राम पानी में रात को भिगो दीजिए, सुबह उस पानी को उबालें, और जब वो पानी 100 ग्राम रह जाए तो उसे उतार कर छान कर ऐसे गुनगुना ही पी लीजिए। यानी कि इस वाले तरीके में आपने जो है कोई छोंक नहीं लगाना है, सुबह शाम इसी तरह पिलाने से कुछ ही दिन के अंदर जो रोगी है, जो पथरी का रोगी है, उसकी पथरी गलकर बाहर आ जाएगी। लेकिन इस मेथड से जो है कुछ ज़्यादा टाइम लग सकता है, यानी कि कुछ केस तो 4 से 6 महीने का टाइम ले लेते हैं। तो इतना टाइम लगाने की जरूरत अगर लगता है आपको कि नहीं है, जल्दी आप अगर आप इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो जो पहला मेथड मैंने आपको बताया है उसको फॉलो कीजिए, आपकी पथरी जो है गलकर यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगी, ठीक है? तो गाइस, आपको आज की वीडियो कैसी लगी है? बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे पहले ही पता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए, लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, और कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। वीडियो पसंद आने पर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, बाय बाय।